ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से, पौराणिक कहानी के हिसाब से या कथा कह लीजिए, पौराणिक कथा के हिसाब से तुलसी और शालिग्राम के विवाह क्यों होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। देव उठनी एकादशी से जुड़ी कई परंपराएं हैं, ऐसी एक परंपरा है तुलसी शालिग्राम का विवाह। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप मानते हैं। तुलसी शालिग्राम का विवाह क्यों होता है, इसका शिव पुराण में कथा है जो मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट में। शिव महापुराण के अनुसार पुरातन समय में दैत्यों का राजा दंभ था, वो विष्णु भक्त था। बहुत समय तक जब उसके यहां पुत्र नहीं हुआ तो उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्रीकृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दंभ के पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम शंखचूड रखा गया। जब शंखचूड बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके लिए घोर तपस्या की। शंखचूड की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए गए। तब शंखचूड ने वरदान मांगा कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि तुम बद्रीवन जाओ, वहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूड बद्रीवन गया। वहां तपस्या कर रही तुलसी को देखकर वह भी हर्षित हो गया और आकर्षित भी हो गया। तब भगवान ब्रह्मा वहां आए और उन्होंने शंखचूड को गांधर्व विधि से तुलसी से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूड ने ऐसा किया। इस प्रकार शंखचूड और तुलसी सुखपूर्वक विहार करने लगे। शंखचूड बहुत वीर था, उसे वरदान था कि देवता भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी में सभी प्राणियों से विजय प्राप्त कर ली। उसके राज्य में सभी सुखी थे, वह सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने लेकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने बोला कि शंखचूड की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास आए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित रथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड ने कहा कि महादेव के साथ युद्ध किए बिना मैं देवताओं को राज्य नहीं लौटाऊंगा। मां शिव को जब यह बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवता और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड को देवता हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूड और देवताओं का युद्ध सैकड़ों साल तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई। जब तक शंखचूड के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड के पास आए और उसे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। वहां जाकर शंखचूड रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमन किया। तुलसी का अस्तित्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड का वध कर दिया। कुछ समय बाद तुलसी को ज्ञात हुआ कि वह मेरे स्वामी नहीं है। तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड की पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार डाला है। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, अतः आप मेरे श्राप से अब पाषाण होकर पृथ्वी पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो, अब तुम्हें शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारे शरीर नदी रूप में बदलकर
गंडकी नमक नदी रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत से काट काट कर उस पासन में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। धर्मानुजन तुलसी के पौधे और शालिग्राम शिला का विवाह कर पुनः अर्जन करेंगे। परंपरा के अनुसार देव प्रबोधि एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से मनुष्य को अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।